टोटल अब तक हम लोग देख चुके हैं 3904 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, करीब 4000 बच्चे हमारे जेई में, बिल्कुल जेई में इनके लिए सिलेक्ट हुए हैं। और ये सारे बच्चे अब जेई एडवांस देंगे, तो उनके लिए कैसे तैयारी करनी उसके बारे में भी चर्चा हुई है, और हम लोग का मेन फोकस है बच्चों को जेई एडवांस क्वालिफाई कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजय सिंह। मेंटर्स रिसर्व ने इस बार के जेई मेंस में परचम अपना लहराया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आनंद जायसवाल सर हैं जो तमाम बच्चों को माला पहना रहे हैं, मिट मुंह मीठा कर रहे हैं। सर, मेंटर्स जेई रिसर्व ने इस बार भी जेई मेंस में अपना परचम लहराया, क्या कुछ कहिए? जेई मेन का रिजल्ट कल आया है और अभी तक तो हम लोग काउंटिंग ही कर रहे थे, क्योंकि हमारे सेंटर पटना के 4 जगहों पे है, भागलपुर में है, बोकारो में है, बहुत सारे स्कूल से हमारा टाई अप भी है, तो सारे रिजल्ट कंपाइल होने में टाइम लगता है। तो टोटल अब तक हम लोग देख चुके हैं 3904 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, करीब 4000 बच्चे हमारे जेई में, बिल्कुल जेई में इनके लिए सिलेक्ट हुए हैं। और ये सारे बच्चे अब जेई एडवांस देंगे, तो उनके लिए कैसे तैयारी करनी उसके बारे में भी चर्चा हुई है, और हम लोग अब मेन फोकस है बच्चों को जेई एडवांस क्वालिफाई कराना। एडवांस के में कैसे तैयारी करना है, क्या फोकस करना है, थोड़ा सा एडवाइस बच्चों के लिए? देखिए, जेई एडवांस के मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जो उन्होंने पढ़ा है जेई मेन के लिए, और जेई मेन के लिए वो ऑलरेडी जनवरी और अप्रैल में 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उसी पे फोकस करना है, नई किताबें नहीं सॉल्व करनी है। हाँ, जेई एडवांस का पैटर्न अलग होता है, तो उसके लिए खूब सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे हैं जो भी जेई मेन क्वालिफाई किए हैं, उन सारे बच्चों को हम लोग जेई एडवांस का फ्री कोर्स दे रहे हैं। हो सकता है वो बच्चे मेंटर्स के नहीं हो तो भी हमारे क्लासेस को कर सकते हैं। कितना टारगेट है कि एडवांस में इस बार मेंटर्स एडजस्टमेंट दे? देखिए, जो जेई मेन में जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें हम लोग चाहते हैं कम से कम 20% बच्चे जेई एडवांस में जाए, तो टारगेट है कि 800 बच्चे हमारे जेई एडवांस में क्वालिफाई करें इस बार कम से कम। क्या लगता है कुछ तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके? हाँ, बिल्कुल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं। टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चों को क्लासेस देनी है जेई एडवांस के लिए, स्टडी मटेरियल देना है, वो सारा कुछ हम लोग करा रहे हैं बच्चों से। लगातार बच्चों का पसंद मेंटर्स एडजस्टमेंट क्यों बनाया जा रहा है, क्या ऐसा बच्चों को मूल मंत्र आप दे रहे हैं? देखिए, मेन तो है कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए बच्चों का। सिस्टम का मतलब होता है अच्छे टीचर्स हों, अच्छी किताबें हों, अच्छे टेस्ट हों, बच्चों के डाउट्स टाइम से क्लियर किए जा सकें, तो ये सारा कुछ मिल के ही पूरा सिस्टम बनता है, उसी से रिजल्ट आता है। बच्चों को ये टिप्स है कि अपना फोकस पढ़ाई पर रखें एडवांस के लिए? बिल्कुल, अभी जो बच्चे जेई मेन क्वालिफाई के उनको पूरा फोकस जेई एडवांस पर रखना चाहिए, और जो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं 10th और 12th का, उनका रिजल्ट आ गया या नहीं आया है, अपनी तैयारी आगे के लिए स्टार्ट करें ताकि वो भी भविष्य में अच्छा रिजल्ट दे सके। आपने सुना आनंद जायसवाल सर का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चे जो जेई मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, अब उन्हें जेई एडवांस का फोकस करना चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो मेंटर्स एडसर के जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में बैठे हैं, और आनंद जायसवाल सर हैं जो बच्चों को किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं। और साफ तौर पर आनंद जायसवाल सर कह रहे हैं कि इस बार के जो मेंटर्स एडवांस का जो रिजल्ट आना उसमें 20% का हम लोग का टारगेट है। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।